पन्हाला का किला कोल्हापुर के पास सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में एक मार्ग पर जमीन से 13-12 फीट ऊपर स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक किला है। बता दें, शिलाहारा राजवंश के शासनकाल में निर्मित पन्हाला किला को दक्कन क्षेत्र का सबसे बड़ा किला होने के गौरव प्राप्त है, जबकि इसकी गिनती भारत के सबसे बड़े किलों में भी की जाती है। यह किला प्राचीन भारतीय विरासत और शिवाजी महाराज के भव्य शासन का गवाह है, जो इसे इतिहास प्रेमियों के घूमने के लिए बेहद खास जगह बना देता है। जमीन से लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से पन्हाला का किला आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं के मनोरम दृश्य भी प्रस्तुत करता है। इन सब के अलावा यह जगह न केवल उन लोगों के लिए अच्छी है जो ऐतिहासिक स्थानों की खोज करना पसंद करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ट्रेक करना पसंद करते हैं। इस वीडियो में आगे हम पन्हाला किला का इतिहास, संरचना और इसकी यात्रा जुड़ी जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। विशाल पन्हाला किले का निर्माण शिलाहारा के राजा भोज द्वितीय द्वारा अपने साम्राज्य के उचित प्रशासन को बनाए रखने के लिए किया था। इस किले के निर्माण का एक और मुख्य उद्देश्य बीजापुर से अन्य तटीय क्षेत्रों के लिए शुरू होने वाले एक प्रमुख व्यापार मार्ग पर नजर रखना भी था। यह किला निर्माण की अवधि से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक राजाओं के कब्जे में रहा था, जिनमें महान मराठा योद्धा और शासक छत्रपति शिवाजी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपनी मृत्यु तक लगभग 20 वर्षों तक इस किले पर राज किया था। यह किला बीजापुर स्थापत्य शैली का अनुसरण करता है, जो कई स्मारकों पर मोर के रूपांकनों को प्रदर्शित करता है। किले के अंदर नीचे बताए गए कई संरचनाएं मौजूद है, जिन्हें आप पन्हाला किले की यात्रा में देख सकते हैं। अंधार बावड़ी या हिडन वेल एक 3 मंजिला संरचना थी, जो किले के मुख्य जल स्रोत को घेरने वाले दुश्मनों से छिपाकर रखती थी। साथ ही आवासीय क्वार्टर, सैनिक पोस्टिंग अवकाश और किले के बाहर जाने वाले भागने के मार्गों के साथ यह किले के मूल में दूसरे स्तर के फायरवॉल के रूप में काम करता था। अंबरखाना पन्हाला किला का प्रमुख आकर्षण है, जिसमें शाही महल और अन्न भंडार है। कलावंतीचा महल मूल रूप से दरबारियों के लिए छत का कमरा था, जो अब अंग्रेजों के विघटन और समय के प्रभाव के कारण खंडहर हो चुका है। सज्जा कोठी, यह एक मंजिला संरचना है जो नीचे की गहरी घाटी को देखती है, जिसे कैद कक्ष के रूप में उपयोग की जाती थी। महान द्वार, पन्हाला किले में अपने मेहमानों का भव्यता के साथ स्वागत करने के लिए और दुश्मनों से सुरक्षा के लिए 3 शानदार दरवाजे थे। दरवाजा फारसी शिलालेखों और मराठों के पसंदीदा देवता भगवान गणेश की नक्काशीदार रूपांकनों के साथ मुख्य प्रवेश द्वार था। दूसरा दरवाजा ब्रिटिश घेराबंदी के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था। और आखिरी वाला बाघ दरवाजा, इसके आगे एक छोटे से आंगन के साथ एक भ्रम हुआ करता था, जहां घुसपैठिए फंस जाते थे और हार जाते थे। राजदिंडी गढ़ भव्य किले से बाहर निकलने वाले रहस्यों में से एक, इसका इस्तेमाल शिवाजी ने पवनखिंडी की लड़ाई के दौरान बचने के लिए किया था। ये सब पन्हाला किले की उन संरचनाओं में से एक है, जो आज भी पर्यटकों के देखने के लिए बरकरार है। इनके अलावा पर्यटक यहां अंबाबाई मंदिर और संभाजी जी के मंदिर भी देख सकते हैं। किले के बाहर शिवाजी महाराज की एक विशाल मूर्ति भी है, जो अपने हाथ में भाला पकड़े हुए है। बता दे, पन्हाला का किला पर्यटकों के घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। आप इस दौरान कभी भी यहां घूमने के लिए आ सकते हैं। वैसे तो पन्हाला किला की यात्रा पर्यटक साल के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च के बीच के महीने ऐसा समय होता है जो पन्हाला किला की यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान यहां का मौसम काफी सुखद होता है। इसके अलावा किले के आसपास के हरे भरे
परिदृश्य मन को मोहने वाले होते हैं। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब इजाजत दें।